कीटनाशक के प्रयोग के लिए हम बेसिकली निबोली जो रहता है, नीम का जो फल है, उसका बहुत अच्छा योगदान रहता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल कीटनाशक बनता है कि जिसके कारण आपके थ्रिफ्ट्स हुए, लाल वाले कीड़े हुए, ये सब दूर हो जाते हैं, जो जनरली बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं किसानों को। गौमूत्र का यूज़, जो देसी गाय का गौमूत्र होता है, वो जितना पुराना होगा उतना अच्छा रहता है। आप उसको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपका वो लेवल्स कम होते जाते हैं जब हम उसको छिड़काव में लेते हैं। नीम के पत्ते हैं यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद करंज के पत्ते हैं, करंज का तेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूकेलिप्टस के हमने कुछ पत्ते लिए हैं जो आसपास में मिलते हैं, अकौआ है, अकौए के पत्ते। उसके बाद हमारे पास लाल मिर्च है, आप देखें हल्दी है, तंबाकू का हमने इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च किया है, हरी मिर्च को भी आप कूट के डाल सकते हैं, धतूरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, धतूरे की पत्तियों और फल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में भांग के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की खासियत क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे नीम वगैरह का इन लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है, ये कड़वापन लाते हैं, कड़वापन, और जितने भी जो पेस्ट होते हैं जो हमारे इसमें, वो हमारे यहाँ पे खेत में क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि भाई उनको उसका रस मिलता है और उसी के कारण वो पत्तियों पे और फलों पे हमारे अटैक करते हैं कि वो उसका रस ले रहे हैं। अब जब रस पत्तियों और फलों पे अगर कड़वापन हल्का सा रहेगा तो वो उसके पास बार बार नहीं आएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें भांग हुआ, धतूरा हुआ, हमारा जो निबोली हुई और हमारा ये तंबाकू हुआ, इनके सेवन से वो ऑटोमेटिकली सेंसेस उनके लॉस हो जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, फिर वो ऐसी जगह पे डरते हैं। जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो सारा का सारा यहीं पे अवेलेबल होता है खेतों के आसपास, और हमारे को इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, अगर हम इसको कंपेयर करें केमिकल पेस्टिसाइड्स के हिसाब से, तो एक केमिकल पेस्टिसाइड अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार रुपये का पर एकड़ कॉस्ट आता है, जब आप हर महीने का एस्टिमेशन निकालते हैं। जबकि आप अगर इसको आप रेगुलरली बना ले तो 21 दिन का फर्मेंटेशन लगता है, 21 दिन के फर्मेंटेशन के बाद इसका एक घोल हम बनाएंगे मटके के अंदर, मटके की कैपेसिटी होती है 20 से 25 लीटर, जिसको हम जब फर्मेंट हो जाता है तो 25 से 30 ml मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 ml तक का पर आपका, अगर हम बात करें तो पर जो आपका स्प्रे आता है ना उसमें हम वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सारी बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसमें तीन तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने नीम का ये यूज़ किया, अपना पत्तों का यूज़ किया है, निबोली यूज़ किया है, निबोली ऑटोमेटिकली किलिंग मशीन का काम करता है, नीम उसको आने ही नहीं देता है क्योंकि उसका कड़वापन, उसका अर्क पूरा उतर जाता है। हमारा बेसिकली इसको फर्मेंट करने का रीज़न ये है कि इसका पूरा अर्क उतार दे, तो जब ये अर्क उतर जाता है तो इसका अंदर से एक जो स्मेल आती है, आप उसको देखेंगे तो इतना तेज़ होता है कि वो एक कीट के लिए एक तरह से जहर का काम करता है। जब हम हमारे बॉडीज़ के ऊपर बात करें तो हमारे बॉडी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी मात्रा इस तरह की नहीं होती। और दूसरा, हम जो केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के बाद हम काम करते हैं तो केमिकल पेस्टिसाइड से अगर हम वाटर से धोते भी है तो वो वाटर से धोने के बाद भी उसका केमिकल पेस्टिसाइड का असर जाता नहीं है। जबकि इसको आप एक सब्ज़ी को लीजिए, उसको पानी में डुबा दीजिए, उसका असर ख़त्म हो जाएगा, आप आराम से खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए अब मैं बताता हूँ इसको हम कैसे बनाने की तैयारी करते हैं। तुलसी भैया तगारी लेना। अब जैसे आपने देखा है कि ये छोटे छोटे हमने काट के रखे हैं, हम इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि इसको हम भरेंगे, सबको मिक्स कर लेते हैं। हमने एक वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया हुआ है जिसका आसानी से आप बना सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। गौमूत्र आपका, फिर गाय का आपका छाछ, मठा जो बोलते हैं हम, वो गाय के दूध का, देसी गाय का होना चाहिए, और इस इधर हम और किसी चीज़ का बोलते नहीं हैं। बेसन हुआ, गुड़ हुआ, इसका हम यूज़ करके एक डिकम्पोज़र तैयार करते हैं। उस डिकम्पोज़र में क्या होता है, बैक्टीरिया डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया को वो तेज़ कर देता है। अब उसके अंदर उसको हम फर्मेंट करने रख देते हैं पहले 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद वो हमारा वो डिकम्पोज़र तैयार हो जाता है। हम उसी डिकम्पोज़र का पानी तैयार लेते हैं और इसके बाद में हम इसके अंदर हो गया हम उसी के अंदर हम इसको तैयार करते हैं अपने घोल को। तो दो चीज़ें होती है, एक तो साथ में हमारे बैक्टीरियाज़ के लिए खाना जो है वो भी साथ में जाता है साथ साथ, और पेस्टिसाइड्स का काम भी अपने आप होता रहता है। अब आप देख रहे हैं ये जो मिक्सचर और गौमूत्र वगैरह का हम है पूरा अपने ये डिकम्पोज़र जो हमने बनाया हुआ है। अकरम भाई अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे डिकम्पोज़र है पूरा बना हुआ, ये हमारा पहले का बना हुआ है, ये 21 दिन पुराना हो चुका है ऑलरेडी। इसमें 5 लीटर गौमूत्र, 5 किलो बेसन, 5 किलो गुड़ और 5 लीटर छाछ ये डाला हुआ है।
और उसके बाद में इसको तैयार किया हुआ है। ये सारे हम पत्तों को अंदर डाल रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये पत्ते अपना अर्क इसी डिकम्पोज़र वाले पानी में छोड़ देंगे, और इस डिकम्पोज़र वाले पानी में जब अर्क छोड़ेंगे तो ये हमारा पेस्टिसाइड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। इसको हमें 21 दिन कम से कम लगेंगे फिर से फर्मेंट करने के, पर वो 21 दिन के बाद में एक अच्छा ताकतवर पेस्टिसाइड रेडी हो जाएगा। इसमें गौमूत्र डाल रहे हैं, एक सेकेंड, इसमें हम लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इसमें जो हम पत्तों का भी चयन करते हैं वो ऐसा हो कि 1.5 किलो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर हमारे डाइल्यूशन के बाद जो पेस्टिसाइड तैयार होगा वो उस हिसाब से ही बनेगा, है ना। तो हमने जो बनाया हुआ डिकम्पोज़र है वो वापस हम इसके अंदर तुलसी ये वाला पानी मग्गे से डाल लो, क्योंकि ऐसे में डुलेगा, ऐसे में डुलेगा तुलसी। गोबर का पानी और फिर वो गौमूत्र, बेसन, गुड़ और छाछ, इसमें 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर 5 किलो बेसन, 5 किलो गुड़ और 5 लीटर छाछ, ये डाला हुआ है और उसके बाद में इसको तैयार किया हुआ है। तीखापन रहता है ना एक स्मेल में, वो रहेगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने, हाँ इसमें हम लोगों ने गाय का गोबर भी लिया है जो डिकम्पोज़र में लिया था। ये हमने पूरा भर दिया है इस घोल को, अब ये हमारा घोल हम हिलाने के बाद ये तैयार हो जाएगा। ये तैयार होने के बाद में हम इसको 21 दिन के बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये घोल हमारा तैयार हो गया है, इसको हमें 21 दिन तक ढाक के रखना रहेगा। उसके बाद ये हमारा एक नेचुरल पेस्टिसाइड जिसे हम बोलते हैं ना जैविक पेस्टिसाइड, वो हमारा तैयार हो जाएगा। तुलसी भैया इसको आप ढाक के रख दो। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको एक एक हफ्ते 10 दिन के बाद में एक बार और चर्न कर देना है, घुमा के फिर वापस इसको ढक देना है। तो ये 21 दिन के बाद में हमारा एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा, जिसको हम जब हम वापरेंगे अपने इसके ऊपर प्लांट्स पे, तो प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, बशर्ते जितने भी आपके पेस्ट रहेंगे जैसे थ्रिफ्ट्स हुए, लाल वाले कीड़ा हुआ, ये सारे उसमें मर जाएंगे या फिर दूर भाग जाएंगे।